न्यूज खबरों की नई पहचान। शहर में जिला प्रशासन की ओर से फूड सेफ्टी के लिए बर्टार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से मंगलवार को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें खाद कारोबार से जुड़े छोटे बड़े व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान की निःशुल्क पंजीयन और लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मौके पर ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलित कर SGM सुरेंद्र प्रसाद ने कैंप की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि कैंप में खाद कारोबारी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ ही वह लोग लाइसेंस के लिए आवेदन भी जमा कर सकते हैं, जिससे खाद कारोबारी फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पंजीकृत हो जाएंगी और जिला प्रशासन समय समय पर रेंडमली फूड सेफ्टी से जुड़ी समस्याओं को लेकर जांच अभियान भी चला सकेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह ने बताया कि जिले में जितने भी खाद कारोबारी हैं, उन्हें कानूनी प्रावधान के तहत रजिस्टर करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा उन्हें लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन भी जमा लिया जा रहा है। जैसा कि SGM सर ने कहा, यहाँ पे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का कैंप लगाया जा रहा है। ये हमारा FSS एक्ट 2006 में जितने खाद्य कारोबारी हैं, इनको इस एक्ट के अंडर में लाने के लिए ही ये कैंप लगाया जा रहा है। या एक कंसल्टेंसी टाइप का कैंप भी है, यहाँ पे निःशुल्क सबका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ऐसे व्यापारी जो कि छोटे हैं और जो अभी तक रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं लिया है, वो इस कैंप में अपना भाग लें और अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। एक्चुअली ईट राइट चैलेंज के तहत धनबाद जिले में हम लोगों ने कैंप लगाया, जहां पे रजिस्ट्रेशन भी होने हैं और लाइसेंस के भी आवेदन आने। तो ये पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे कैंप के माध्यम से शुरू किया कि ताकि छोटे दुकानदार भी हमारे फूड सेफ्टी की तरफ रजिस्टर्ड हो जाए, उनकी भी कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो आज हम लोगों ने पहला कैंप आपका बर्टार में लगाया है। इसी तरह हम लोग कई वेन्यूज डिसाइड किए हुए जो आने वाले दिनों में हम लोग चेंज करते रहेंगे। पर्पस ये है कि पहले तो जो भी फूड सेफ्टी के हमारे नॉर्म्स हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद वैसे दुकानदार लोग हमारे उस सेफ्टी फूड सेफ्टी के नॉर्म्स को पालन करेंगे। हम लोग बार बार में उसका रेंडमली जांच भी करते रहेंगे। दूसरा, व्यापारियों के लिए भी सुविधा होगी कि उनकी एक पहचान पत्र हो जाएगी, उनकी पहचान होगी कि सर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो पर्पस यही है कि अधिक से अधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है और फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड को हम लोग को पालन करवाना है।